जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव जी की पूजा करने से घर की कलह का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और पति और पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ती है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत एक उत्तम व्रत बताया गया है। 16 सोमवार का व्रत करने एवं व्रत की कथा सुनने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो चलिए आज 16 सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भगवान से भ्रमण करते हुए धरती पर अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल शुरू हुआ, उसी समय पुजारी पूजा करने को आया। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की, पर अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आई और पुजारी को देखकर उसने कोढ़ी होने का कारण पूछा। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताते हुए और महादेव से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना करने को कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, बिना अन्न व जल ग्रहण किए सोमवार को व्रत करें और शाम की पूजा करने के बाद आधा शेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिए। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें और 17वें सोमवार को 5 शेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें, फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर पूजन करने लगे और रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और फलस्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हुए। इस पर कार्तिकेय जी ने भी माँ गौरी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा, जिस पर उन्होंने इसे अपने व्रत के बारे में बतलाया। तब गौरी पुत्र ने भी यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा तो व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखी से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत को विधिवत बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिव जी के इस व्रत के बारे में बताया। तब उसके पुत्र ने राज की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह मेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने
इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए, उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए, उसने उसी जल को पिया। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। सारी गाथा जानकर वह समझ गया कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। तब वह धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी ने के पूजन में नहीं गई। 16 सोमवार के व्रत से निकाला गया समाधान। तब गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता लगाया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। भगवान शंकर की कृपा से ही मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। प्रजा उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाया, बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए। इसी के साथ राजा शिवजी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति से विधिपूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप भी अगर 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो विधिपूर्वक कीजिए, नियम के साथ कीजिए और व्रत की ये कथा अवश्य सुनिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।